माइनक्राफ्ट के पोकेमॉन के वर्ल्ड में आज मैं सर्वाइव करने वाला हूं 100 डे ऐसे डेलगा पोकेमॉन। और अब वीडियो के अंत तक मुझे अपने आप को अपने ओरिजिन फॉर्म में लाना है ताकि मैं पोकेमॉन के वर्ल्ड को खतरनाक पोकेमॉन से बच पाऊं। और लास्ट में मुझे हारना पड़ेगा पोकेमॉन के वर्ल्ड के सबसे खतरनाक पोकेमॉन रेशिराम और जेग्रोम को। इन दो ड्रैगन टाइप को हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डे 1 में स्पॉन हो गया था डेलगा मनगर। और गाइस मुझे स्पॉन किया गया था आज इसके पावर के द्वारा। और यहाँ घूमने के बाद मुझे यहाँ पे दो पोकेमॉन दिखे, और ये वाला पोकेमॉन है पालकिया और दूसरे का नाम है गिरेटिना। और जब हम सब बात करने वाले थे तभी हमारे सामने आता है आरसीएस। और आरसीएस का आने के बाद उसने हमें कहा कि उसने ही हमें क्रिएट किया है, और ये इसलिए क्योंकि हम सब इसके साथ मिलकर पोकेमॉन के वर्ल्ड को बना पाए। और ये सब कहने के बाद आरसीएस ने हम तीनों को एक खतरनाक पावर दी। आरसीएस ने पालकिया को दिया स्पेस का पावर और मुझे दिया टाइम का पावर, और इसी तरह लास्ट में गिरेटिना को दिया एंटी मैटर का पावर। और हम सब आरसीएस के साथ मिलकर पोकेमॉन की पूरी दुनिया बनाई। और हम सब के पावर की वजह से पोकेमॉन का वर्ल्ड बन चुका था, लेकिन डिफिकल्ट की बात ये थी कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में कोई पोकेमॉन स्पॉन नहीं हो रहा था। और इसी दौरान आरसीएस ने हमें एक पावर दी जिसके हेल्प से हम पोकेमॉन के वर्ल्ड में कोई भी पोकेमॉन को बना सकते थे। और इसी दौरान मैं जल्दी से टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया अपने और वर्ल्ड में। और यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले वुड को कलेक्ट कर लिया, और फिर तभी मैंने यहाँ पे कई सारे वुड के पावर के हेल्प से बनाने लगा एक पोकेमॉन को। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने एक पोकेमॉन को बना ही लिया, और इस पोकेमॉन का नाम है हुप्पा। और हम दोनों मिलकर पोकेमॉन के टाइम को कंट्रोल करेंगे, और इससे पोकेमॉन का वर्ल्ड मेंटेन रहेगा। और ये सब बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ आरसीएस के पास। और जब मैं उस जगह जा ही रहा था तब मैंने देखा कि वहाँ पे आता है गिरेटिना, और उसने हुप्पा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और ये प्लान की वजह से ये पोकेमॉन के वर्ल्ड में राज कर सकते हैं। और ये सब देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ आरसीएस के पास, और मैंने आरसीएस को सारी बात बता दी। और फिर हम दोनों टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं उस वर्ल्ड में, और फिर तभी आरसीएस ने गिरेटिना को सेंड कर दिया डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में, और हुप्पा को प्रिजन बॉटल में कैद कर लिया, और मुझे कहा कि मुझे इसी वर्ल्ड में रहकर टाइम की रक्षा करना है, और इससे पोकेमॉन का वर्ल्ड सेफ हो सकता है। और फिर तभी मैं टाइम के साथ गायब होकर पूरी वर्ल्ड को देखता रहा। और टाइम के गुजरते वक्त पोकेमॉन के वर्ल्ड में कई सारे न्यू पोकेमॉन बन चुके थे, और इसी दौरान वाटर प्रेशर की वजह से बन चुका था कायोगिरी पोकेमॉन, और वर्ल्ड के लावा की वजह से बन गया था ग्रोडन पोकेमॉन, और अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से स्पॉन हो गया था रेकवाजा पोकेमॉन। और इसी तरह पोकेमॉन का वर्ल्ड बहुत अच्छे से चल रहा था। और यहाँ पे कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन ने भी पोकेमॉन के वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए कई सारे छोटे पोकेमॉन को भी बनाया था, जैसे कि हमारे कायोगिरी बनाया था तीन पोकेमॉन को, हॉट वाटर के लिए उसने बनाया था फियोनी को, और कोल्ड वाटर के लिए उसने बनाया था मैनफी को, और फिर वेपर के लिए उसने बनाया था वोल्केनियन को, और इसी दौरान ग्रोडन ने बनाया था हीटरन पोकेमॉन को, और इसी दौरान ड्रैकवाजा ने अपनी पावर की हेल्प से क्रिस्लिया पोकेमॉन को भी बनाया था, और इसकी वजह से पोकेमॉन के वर्ल्ड में इंसान भी स्पॉन हो चुके थे। और इसी तरह पोकेमॉन का वर्ल्ड अच्छे से चल रहा था। और इससे आगे चलने का मुझे पता लगा कि हमारे पोकेमॉन के वर्ल्ड में एक एस्टेरॉइड टकराने वाला है, और ये कोई छोटा मोटा एस्टेरॉइड नहीं था। और अगर ये एस्टेरॉइड हमारे पोकेमॉन के वर्ल्ड में टच हो गया तो हमारी पोकेमॉन की दुनिया खत्म हो जाएगी, और ये एस्टेरॉइड को रोकना बहुत ही इम्पॉसिबल था। और ये सब की जानकारी मैं आरसीएस को बता देता हूँ। और फिर तभी आरसीएस चले जाता है उस एस्टेरॉइड को रोकने के लिए, और अपने कई सारे पावर यूज करने के बाद फाइनली आरसीएस ने इसे रोक लिया। और वहाँ के लोगों को उदास देखते हुए आरसीएस ने उसे अपना ज्वेल ऑफ लाइफ दिया, लेकिन जब आरसीएस ज्वेल ऑफ लाइट को लौटाने के लिए गया तभी वहाँ के लोगों ने आरसीएस को धोखा दिया, और इसी बात के चलते आरसीएस रिकवर होने के लिए स्पेस में चला गया। और ये सब मैं अपने टाइम के पावर से देख सकता था, लेकिन कुछ सालों बाद आरसीएस फिर लौटा, और वहाँ आने के बाद उसने सारे लोगों के ऊपर अटैक किया, और मैं पालकिया और गिरेटिना भी आरसीएस को रोकने के लिए चले गए। और वहाँ पर हम तीनों ने मिलकर आरसीएस को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आरसीएस ने हमारी एक न सुनी, और फिर तभी उसने हम तीनों के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक किया, और इससे हम तीनों काफी ज्यादा थक चुके थे। फिर टाइम और अर्थ को बचाने के लिए मैंने यूज किया टाइम ट्रेवल, और इससे आरसीएस और कई सारे लोग पुराने टाइम में जा चुके थे, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें मिलता है ज्वेल ऑफ लाइफ। और फिर मैंने टाइम ट्रेवल यूज करके उन सभी को वापस लाया, और मेरे खतरनाक आइडिया की वजह से मैंने सारी दुनिया को बचा लिया। और फिर तभी मैं चले जाता हूँ मेरे फर्स्ट वाले जगह पे जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम स्पॉन हुआ था, और इस जगह पे मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ। और यहाँ पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे गिरेटिना को देखा, लेकिन ये दिखने में काफी ज्यादा अलग दिख रहा था, और उसने मुझे कहा कि सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को उसका अल्टरनेट और पावरफुल फॉर्म भी मिलता है, और ये खतरनाक फॉर्म की वजह से इनका अटैक और पावर डबल हो चुका था। और ये सब कहने के बाद उसने मुझे कहा कि मेरे खतरनाक फॉर्म भी मुझे अर्थ पे मिल सकता है, और ये फॉर्म की वजह से मैं अपने ओरिजिन फॉर्म में भी आ सकता हूँ। और कुछ टाइम ऐसे आराम करने के बाद मैं चले आता हूँ अर्थ पे ताकि वहाँ पर अपना डायमंड ओर भी खोल सकता हूँ। और कुछ टाइम ऐसे खोलने के बाद फाइनली मुझे मिलता है मेरा श्राइन, और लकीली मुझे अपना डायमंड ओर भी वहाँ पे मिल गया। लेकिन जब मैं वो ओर को यूज करने वाला था लेकिन तभी वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और फिर तभी वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा, और फिर तभी वहाँ पे आता है पोकेमॉन का गॉड आरसीएस। और आरसीएस के आने के बाद उसने मुझे कहा कि उसने सारे पोकेमॉन के ऑर्ब सबको दे चुका था, और बस यही अकेला सबसे खतरनाक ऑर्ब है। और आरसीएस ने मुझे कहा कि ये ऑर्ब दुनिया के सबसे खतरनाक मुसीबत के टाइम में यूज होगा, और इसके हेल्प से मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकता हूँ। और ये सब कहने के बाद आरसीएस उस जगह से चले जाता है, और फिर तभी मैं भी चला जाता हूँ अपने सफर की ओर जहाँ पर ट्रेनिंग करते मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है। और सिनो रीजन के इंसानों की बुरे सपने की वजह से यहाँ पे स्पॉन हो गया था डार्क राइड पोकेमॉन, और वहाँ पे आते ही उसने लोगों के सपने के ऊपर कंट्रोल किया, और सिनो रीजन के कई सारे लोग सोने से भी डरते थे। और डार्क राइड के स्पॉन होने के बाद वहाँ के डायमेंशन भी चेंज होने लगा, और वहाँ के
लोगों की गलती के कारण वहाँ पे श्राइन भी टूट चुका था और इसकी वजह से अल्टरनेट स्पेस और टाइम भी एक हो चुका था और इसके कारण की वजह से वहाँ के स्पेस का डोर भी ओपन हो गया। और फिर तभी वहाँ से आता है गॉड ऑफ स्पेस पोकेमोन पालकिया और वहाँ स्पॉन होने के बाद उसने वहाँ के लोगों और डार्क राय के ऊपर अटैक किया और ये कारण की वजह से वो जगत तबाह होने वाला था। लेकिन मुझे अपने पोकेमोन के वर्ल्ड और टाइमलाइन को बचाने के लिए मैंने पालकिया के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर हम दोनों के बीच पोकेमोन के वर्ल्ड का सबसे खतरनाक बैटल हुआ और अगर ये बैटल ऐसा चलता रहा तो पोकेमोन का वर्ल्ड जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ के इंसानों की वजह से वहाँ का श्राइन भी ठीक हो गया और इसकी वजह से हम दोनों अपने आप को रिकवर कर पाए और फिर तभी स्पेस और टाइमलाइन पहले की तरह ठीक हो गए थे और पालकिया भी अपने स्पेस के अंदर ही लौट चुका था। और यहाँ का वातावरण ठीक होने के बाद मैं भी चल पड़ा अपने सफर की ओर और आगे लेवल अप करने के बाद मुझे अपने सबसे खतरनाक पावर को भी अनलॉक करना है और वो है रोर ऑफ टाइम। और कई बार ऐसे अटैक यूज करने के बाद फाइनली मैं सीख चुका था रोर ऑफ टाइम और ये वाले खतरनाक अटैक को यूज करके मैं किसी पोकेमोन को पूरा खत्म करके उसे वापस ला सकता था और अब से ये अटैक मेरा सबसे खतरनाक पावर है। और टाइम से पता चला कि यूनोवा रीजन में वॉर बनने के बाद वहाँ से बने तीन पोकेमोन और ये तीनों एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है और इन तीन खतरनाक पोकेमोन का नाम है रेशिडैम, कायरूम और जैक्रोम। और इनकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। यूनोवा रीजन में दो भाई रहते थे और उन दोनों के पास बस एक ही पोकेमोन था और वो था एक ड्रैगन टाइप और उनके झगड़े की वजह से एक पोकेमोन दो हो गया और व्हाइट वाले का नाम था रेशिडैम और ब्लैक वाले का नाम था जैक्रोम। लेकिन तभी वहाँ पर एक और पोकेमोन भी स्पॉन हुआ था और वो था कायरूम जो कि इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल भी था। और बैटल के खत्म होने के बाद ये दोनों केव के अंदर सोने के लिए चले आते हैं और कई सालों के बाद वहाँ से एक सिग्नल आया और फिर मैं टेलीपोर्टेशन के हेल्प से पहुंच जाता हूँ यूनोवा रीजन में और वहाँ पहुंचने के बाद मैं मिलता हूँ कायरूम और रेशिडैम से और ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन थे। और मेरे आने के बाद उन दोनों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और ये बैटल स्टार्ट होता है तीन ड्रैगन टाइप पोकेमोन के बीच। और ये अटैक के दौरान ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो चुके थे और मिक्स होने के बाद ये बन चुके थे एक नए पोकेमोन फॉर्म में और ये मिक्स पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल भी था। और फिर तभी हम दोनों के बीच एक खतरनाक बैटल होता है और मेरे लास्ट के रोर ऑफ टाइम की वजह से मैंने इसे हरा दिया और मेरे अटैक के चलते रेशिडैम पोकेमोन शांत हो गया और कायरूम गुस्से की वजह से उस जगह से चले जाता है और उसका बस एक ही सपना है यूनोवा रीजन में राज करना और मैं भी कायरूम के पीछे इसी तरह चले जाता हूँ। और इसी तरह चलने के बाद मुझे पता चल गया कायरूम पोकेमोन रेशिडैम और जैक्रोम के साथ फ्यूज हो सकता है और इसी आगे चलने के बाद फाइनली मुझे मिलता है जैक्रोम और कायरूम के आने के बाद वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो गए और वो बन चुके थे कायरूम के ब्लैक फॉर्म में और इसने उसकी इलेक्ट्रिक पावर के अटैक से मेरे ऊपर अटैक किया और उसके ड्रैगन टाइप अटैक से मैं काफी ज्यादा थक चुका था। और जब वो मेरे ऊपर सबसे खतरनाक अटैक यूज करने वाले थे और फिर तभी मुझे दिखता है आरसीएस पोकेमोन और इसने पावर की हेल्प से डायमंड होल को एक्टिवेट किया और इसके हेल्प से मैं ट्रांसफॉर्म होकर बन चुका था डेलगा के ओरिजिन फॉर्म में और अब से मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और मेरे स्पीड और अटैक का पावर डबल हो गया। और फिर मैंने यूज किया मेरे हाइपर बीम अटैक को और मेरे लास्ट के रोड ऑफ टाइम के अटैक की वजह से दोनों पोकेमोन शांत हो गए और ये सब अटैक करने के बाद मैं आ चुका था मेरे नॉर्मल फॉर्म में और मेरे सबसे खतरनाक अटैक की वजह से कायरूम पोकेमोन भी शांत हो गया और खुद को वापस से रिकवर करने के लिए दोनों चले पड़े हाइबरनेशन में जहाँ पर ये तीनों पोकेमोन कई सालों तक सोते रहेंगे जब तक इन्हें कोई जगह न जाए। और फिर तभी मैं चल पड़ता हूँ आरसीएस के पास और जब मैं उस जगह में पहुंचा तब मैंने वहाँ पे पालकिया का ओरिजिन फॉर्म को देखा जो कि सही में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इसके बाद मैं इन तीनों के साथ निकल पड़ा अपनी पोकेमोन की सफर की ओर और जहाँ पर मुझे इसी तरह आगे चल के पोकेमोन के वर्ल्ड को बचाना होगा। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने अपने सारे मिशन को कम्प्लीट कर लिया है। और गाइस ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।